someone has rightly said that some books are to be tested, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बुक्स ऐसे होते हैं, कुछ किताबें ऐसी होती है जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, मीन्स एक बार पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जिसे हमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, और बहुत ही कम बुक्स ऐसे होते हैं जिसे आपको बार बार पढ़ना होता है और उसे पचा लेना होता है, डाइजेस्ट कर लेना होता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं 10 बुक्स के बारे में, 10 ऐसे बुक्स जो आपको च्यू करना है और डाइजेस्ट कर जाना है। अगर आप अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, हैप्पी बनाना चाहते हैं, वेल्दी बनाना चाहते हैं, खुशनुमा बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको जो ये 10 बुक का लिस्ट बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए और इसे पढ़ने की कोशिश करिए, बार बार पढ़ने की कोशिश करिए और इसे समझिए और अपने लाइफ में उसे उतारने की कोशिश करिए। ओके, सो आर यू रेडी टू नो व्हाट आर द बुक्स विच यू कैन रीड टू चेंज योर लाइफ? इफ यू आर रेडी, सो लेट्स स्टार्ट। So my dear friend, I was talking about the 10 books which you must read in your life. वो 10 books जो आपको पढ़ना ही चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला जो book है वो है The Secret. Yes, my dear friend, रहस्य। आपने सही समझा, हिंदी में भी इसका अनुवाद है रहस्य, The Secret। उस book को पढ़िए। ये देखिए हमारा बुक है द सीक्रेट, इसे पढ़िए, समझिए और इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। ये जो बुक है द सीक्रेट, इसके जो लेखक हैं रोंडा बायर ने जितने भी जो थॉट लीडर्स हैं, जितने भी मोटिवेटर्स हैं, जितने भी इंस्पिरेशनल लीडर्स हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया। तो यह इस बुक में आपको मिलेगा द सीक्रेट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। तो पहला बुक था हमारा द सीक्रेट। जो दूसरा बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक को फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए इस बुक को लिखा है। तो इस बुक को पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने लाइफ में रिच कैसे हो सकते हैं, जो रिच पीपल हैं वो क्या करते हैं, उनकी क्या थॉट होती है, और जो पुअर होते हैं उनकी क्या थॉट होती है। तो अगर आपने समझ लिया कि रिच और पुअर कैसे सोचते हैं, तो ये सर्टेन है कि आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं और अपने आप को रिचनेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा बुक रिच डैड पुअर डैड। अब हम चलते हैं हम तीसरे बुक की तरफ, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल रिटन बाई डेल कार्नेगी। ये बहुत ही पुरानी बुक है बट ये एवर ग्रीन बुक है। आपको अपने सोसाइटी में अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग के साथ कैसे बातें करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ताकि कोई भी चीज बिना अटैक किए हुए, बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए आप अपनी बात को रख सकें। तो ये जो बुक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर आप लोगों से बात करना चाहते हैं, लोगों के साथ इन मिंगल होना चाहते हैं, लोगों के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बुक आपको बहुत ही काम आएगा।
इवन अगर आप कहीं नए कंपनी में जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, नई जगह पे जा रहे हैं, तो आपको ये बुक बहुत ही हेल्प करेगा ये समझने में कि कैसे हम लोगों से बात करें, कैसे हम लोगों से अप्रोच करें और कैसे हम उस से दोस्ती करके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। ओके माय डियर फ्रेंड, सो ये था हमारा तीसरा बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। नाउ लेट अस गो टू द फोर्थ बुक। द फोर्थ बुक इज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। या द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, दिस इज रिटन बाय डेविड स्क्वाड्स। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जो है बहुत ही अच्छी बुक है, वो इसलिए क्योंकि आपको ये समझाती है कि आप जो सोचते हैं उससे कैसे आप अपने आप को बेटर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, रिच बना सकते हैं, वेल्दी बना सकते हैं। ये नाम सही समझ में आ रहा है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये हिंदी में भी बुक मिलेगा आपको, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, पढ़िए और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। ये जो जितने भी बुक्स हैं इसके खरीदने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसके थ्रू आप जा सकते हैं और उससे आप परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट बुक, दैट इज पांचवा बुक है हमारा, वो है थिंक एंड ग्रो रिच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, है ना। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ऐसा कैसे होता है, ऐसा होता है क्या, सोचने से कोई अमीर बन सकता है? यस माय डियर फ्रेंड, सोचने से ही तो सब कुछ होता है ना। थिंक एंड व्हाटएवर हैपनिंग इन योर लाइफ इट इज ड्यू टू थिंकिंग ना। जो भी आप सोच रहे हैं वैसे ही आप अपने एक्शन को लेते हैं और अपनी आपकी लाइफ चेंज होती है। तो ये जो बुक है आपको ये बताती है कि कैसे सोच करके अपनी सोच को कैसे चेंज करें ताकि आप रिचनेस की ओर जाएं। थिंक एंड ग्रो रिच, सोच कर अमीर कैसे बन सकते हैं। इस बुक्स में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बताया गया है जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से कन्विंस हो सकते हैं कि यस आप भी, यस माय डियर फ्रेंड आप भी सोच कर अमीर बन सकते हैं, थिंकिंग को चेंज करके रिच बन सकते हैं। तो ये था हमारा पांचवा बुक, थिंक एंड ग्रो रिच। नाउ लेट अस कम टू द सिक्स्थ बुक। जो छठा बुक है हमारे पास वो है स्टार्ट लेट फिनिश रिच। स्टार्ट लेट फिनिश रिच, सो माय डियर फ्रेंड दिस बुक इज रिटन बाय डेविड बैक। डेविड बैक जो है अमेरिका के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, जो लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं, लोगों को फाइनेंशियली एडवाइज करते हैं, बड़े बड़े लोगों को फाइनेंशियली एडवाइज करते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि कैसे आप जहां पे भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, उस कंडीशन से कैसे आप अपने आप को रिचनेस की ओर ले जा सकते हैं। आप जब रिटायर हो तो आप रिच हो, आप जब भी रिटायर हो अपने लाइफ में, मे बी 50 इयर्स, मे बी 60 इयर्स, मे बी 65 इयर्स, जब भी आप रिटायर हो, रिटायरमेंट जब आप काम करना बंद कर दें अपनी लिविंग के लिए, तो उस समय आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। सो स्टार्ट लेट एंड फिनिश रिच, ये जो बुक है आपको बहुत सारे ऐसे थॉट्स देंगे, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप अपने लाइफ को चेंज करके अपनी रिटायरमेंट लाइफ को बेटर बना सकते हैं, रिच बना सकते हैं, वेल्दी बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं। Now let us go to our seventh book. सातवां जो बुक है वो है हमारा Men are from Mars and Women are from Venus. Men are from Mars and Women are from Venus. It is written by John Gray. ये जो बुक है आपके रिलेशनशिप पे आधारित है। जो मेन हैं वो मार्स से हैं एंड वीमेन हैं जो विनस से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेन एंड वीमेन
का जो सोच है, सोचने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि मेन कैसे सोचता है और विमेन कैसे सोचती है, तो आपका जो रिलेशन है वो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि जो वो कर रहा है वो उसकी नेचर है, वो उसका नेचर है, इसलिए वो कर रहा है। तो इसमें बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, जिससे आप अपने जो फैमिली लाइफ है, स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, वो आप बेटर कर सकते हैं। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, हर चीज़ पे ताना एक दूसरे को मार रहे हैं, हमेशा एक दूसरे से मुंह फेर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसे बंद किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए और अपने ज़िंदगी को अच्छे इस तरीके से जिया जाए, तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। नाउ माय डियर फ्रेंड, लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट बुक, दैट इज एट्थ बुक। आठवां जो बुक है वो है हाउ टू मैक्सिमाइज योर चाइल्ड्स लर्निंग एबिलिटी। हाउ टू मैक्सिमाइज योर चाइल्ड्स लर्निंग एबिलिटी, ये जो बुक है माय डियर फ्रेंड, इट इज रिटन बाय लॉरेन ब्रैडवे एंड बारबारा अल्बर्ट्स हिल। ये जो बुक है स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों में कैसे उनका लर्निंग, उसकी लर्निंग को कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस एज में कैसे हम उसको सिखा सकते हैं ताकि उसकी एबिलिटी है, जो लर्निंग एबिलिटी है, वो मैक्सिमम हो सकता हो। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ही तेज होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही स्लो होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही मीडियम होते हैं। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आप उससे सीख कर, आप अपने बच्चों में वो चीज़ समझ कर, वो चीज़ फाइंड आउट करके, वो चीज़ जो इसमें लिखा हुआ है उसे यूज़ करके, आप अपने बच्चे की जो लर्निंग स्किल है, उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है, उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये है माय डियर फ्रेंड आठवां बुक, हाउ टू मैक्सिमाइज योर चाइल्ड्स लर्निंग एबिलिटी। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट बुक, दैट इज नाइन्थ बुक। नौवां जो बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। नौवां बुक, नाइन्थ बुक इज सी यू एट द टॉप। सी यू एट द टॉप रिटन बाई जिग जैगलर। जिग जैगलर जो थे अमेरिका के बहुत ही बड़े मोटिवेटर थे, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स थे, उन्होंने ये बुक लिखा था सी यू एट द टॉप। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कभी अपने लाइफ में कि यार मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हो गया हूँ, मैं क्या करूँ उस लाइफ में, तो आपको ये बुक हमेशा आपको मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए। ये बुक आपको वो ट्रिक देगी, वो प्रोसेस देगी कि आपको कैसे अपने लाइफ को चेंज करना है ताकि आप अपने लाइफ में ऊपर की ओर जा सके। सो सी यू एट द टॉप रिटन बाई जिग जैगलर इज अ वेरी वेरी गुड बुक दैट यू मस्ट रीड एंड री रीड इट। ये बुक को पढ़िए और बार बार पढ़िए ताकि आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, इंस्पायर्ड रखिए और अपने लाइफ को बेटर और ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करते रहिए। अब जो हमारा जो टेंथ एंड लास्ट बुक है वो है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट रिटन बाय स्टीफन आर कवी। स्टीफन आर कवी जो है ये उन्होंने बुक लिखा है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये जो बुक है स्टीफन आर कवी के द्वारा, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करें, मैक्सिमाइज कर सके अपने टाइम को, तो ये बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है। इसे पढ़िए, इसे समझिए, इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए अपने लाइफ में। सो माय डियर फ्रेंड, ये था हमारा दसवां बुक, वो था फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया 10 बुक्स जो आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए।
ओके माय डियर फ्रेंड, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ताकि हमें पता चले कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अगर इन 10 बुक्स में से कोई भी बुक्स अगर आपको परचेज करना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस बुक के लिंक पर जाएं, उसको क्लिक करें और उसे परचेज करके पढ़कर, बार बार पढ़कर अपने लाइफ को बेटर बनाइए, वेल्दी बनाइए, हैप्पी बनाइए। ओके माय डियर फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।